सभी के स्वागत है आप सबका कारपेंटर की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए वॉल टीवी पैनल लेके आए हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, बनाने का तरीका और डिजाइन, लेमिनेट, मटेरियल, सब चीज के बारे में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके टोटल जो साइज है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। लंबाई जो है इसकी 98 इंच है, फर्श से लेके और ऊपर तक 98 इंच इसकी लंबाई है। चौड़ाई जो है 80 इंच है। इस वाले बॉक्स की हम बात कर लेते हैं। ये वाला बॉक्स हमने 18x18 इंच का दिया है, 1.5 फीट x 1.5 फीट का। गहराई इसकी हमने 10 इंच रखी है। ये वाला 3.5 फीट x 1 फीट का है, इसकी भी गहराई 10 इंच रखी है। और ये वाला भी 1.5 फीट x 1.5 फीट का है, तो इसकी भी गहराई हमने 10 इंच रखी है। इधर का साइड का जो बॉक्स है, ये वाला हमने 72x18 इंच का रखा है, नीचे के बॉक्स के हिसाब से। कोब की हम बात कर लेते हैं। कोब हमने जो दी है 5 फीट x 3 फीट हाइट में, ये कोब इसमें दी है। ऊपर के शेल्फ की बात करें, ऊपर का शेल्फ हमने मोटाई इसकी 3 इंच रखी है, ताकि इसमें अभी फोग लाइट या फोकस लाइट कुछ भी लगा सकते हैं, उसका ऑप्शन है। इसमें हमने वायरिंग कर दी है। और गहराई इसकी 6 इंच रखी है हमने। ये वाली जो पट्टी लगी हुई है, ये वाली पट्टी हमने 0.25x0.5 इंच की इस तरह से ये पट्टी बना के HDMR में ही बना के लगाई है। तो इस तरह से हमने इसमें डिजाइन दिया है। दो स्विच बोर्ड हमने इसमें काट दिए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्विच बोर्ड लगेगा, उधर वो 7:3 का स्विच बोर्ड लगेगा। इसके ऊपर जो है टीवी का जो स्टैंड है लग के, उसके बाद टीवी जो है लग जाएगा। नीचे के बॉक्स में हमने ये कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया है। ये ओपन है, आप इसमें चाहें तो ग्लास लगवा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, और उसमें भी। तो ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। तो इस तरफ हमने एक सिंगल पल्ला दिया है पूरा ही, इसके अंदर हमने कुछ शेल्फ भी दिए हैं। इस तरफ हमने ये पूरा अंदर से पूरा एक जो है पोर्शन रखा है, आगे की तरफ एक पल्ला दिया है, इसमें एक पल्ला दिया है और एक इसमें पल्ला दिया है, इसमें भी हमने एक पल्ला दिया है। बॉक्स की गहराई हमें कम इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि यहाँ जो रूम है, यहाँ से एंट्री है रूम की, तो ये अगर ज्यादा बढ़ाती तो बाहर आ जाता, तो ये फिर यहाँ पे या तो चौखट तक आता या फिर चौखट से बाहर आता, तो निकलने में दिक्कत होती काफी। तो इसलिए इसकी गहराई कम रखी है हमने। इस वाले बॉक्स को अंदर से दिखाता हूँ। ये इस तरह से यहाँ से खोलना है, प्रोफाइल हैंडल का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये ऊपर 3 शेल्फ दिए हैं। ये वाले जो शेल्फ हैं फोल्डेबल हैं, आप चाहें तो इन्हें हटा सकते हैं। ये वाला बड़ा खाना दिया है, ये वाले 3 खाने हमने छोटे कर दिए हैं। इसमें आप कुछ भी अपना सामान जो है रख सकते हैं जो यहाँ पे काम आने वाला हो। ये इस तरह से हमने ये पूरा बनाया है। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं हम। अंदर से ये बिल्कुल हमने पूरा ओपन छोड़ दिया है ऐसे। ये अब इसको देख लेते हैं, ये भी हमने ऐसे ही लगाया है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे वायरिंग वहां बोर्ड में से ला के और यहाँ पे रख दी है। यहाँ पे वाईफाई वगैरह का ऑप्शन इन्होंने मांगा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये वायरिंग रख दी है। बाकी कनेक्शन अपने हिसाब से ही कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मटेरियल की। मटेरियल में हमने 18mm का एक्शन टीसा का HDMR यूज किया है। और जो ये बैक पैनल है जो दीवार पर हमने लगाया है, वो पूरा ही हमने जो टुकड़े वगैरह बचे थे, काफी अंदर काम हुआ है जैसे अलमारी का, उनमें जो टुकड़े वगैरह बचे थे उसको हमने पैरलिंग में इस्तेमाल किया है। उस तरह से ये टीवी पैनल जो है हमने बनाया है। इसका बैकग्राउंड जो है वो हमने टुकड़ों में बनाकर उसके ऊपर 2mm का एक्शन टीसा का HDMR लगाकर फिर लेमिनेट लगाया है। तो ये सारा जो है एक्शन टीसा का HDMR 18mm का हमने जो है इसमें इस्तेमाल किया है। लेमिनेट में हमने 1mm की मेरिनो की टफ ग्लॉस में शीट का इस्तेमाल किया है, एक टीक वुडन रेशो में, दूसरी ऑफ व्हाइट ग्लोसी। तो ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। सीरीज में हमने हैटिच के कब्जों का इस्तेमाल किया है, जी प्रोफाइल का यहाँ पे हमने हैंडल में इस्तेमाल किया है। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम हमारा इसको बनाने में 4 से 5 दिन लग गए थे। तो 4 से 5 दिन में ये कम्प्लीट हो गई थी क्योंकि बैक पैनल में काफी काम हो गया था टुकड़े वगैरह एडजस्ट करने में। तो कैसा लगा ये वॉल टीवी पैनल, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।